करने से फर्स्ट नंबर के भाग्य बनते हैं, वो सेकंड नंबर के और थर्ड नंबर की मूवी पढ़ने से फर्स्ट नंबर के भाग्य ले तो बहुत बनते हैं क्या? जितने भी जी के कहे जाने वाले हैं अभी तक भी बेसिक नॉलेज ही धारण कर रहे हैं, वो फर्स्ट क्लास कोर्स भी पढ़ते हैं या सेकंड क्लास पढ़ते हैं या थर्ड क्लास पढ़ते हैं? है? थर्ड क्लास कोर्स भी पढ़ते हैं तो थर्ड क्लास बनेंगे या सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास बन जाएंगे? क्या बनेंगे? फर्स्ट क्लास बन जाएंगे। जो बीके में है अपन को ब्रह्मा कुमार ही कहलाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार का पता नहीं है उनको, वो थर्ड क्लास मुरली पढ़ते हैं या सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास? है थर्ड क्लास पढ़ते हैं। सेकंड क्लास मुरली तो उनको समझ में ही नहीं आवेगी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का अत्यंत काज में भरा हुआ आवाज, जो बूढ़ी बूढ़ी पोपली आवाज है वो उनको समझ में आएगी ही नहीं, इसलिए कोई सुनता ही नहीं। और फर्स्ट क्लास का तो उनको पता ही नहीं। तो जब उनकी पढ़ाई ही थर्ड क्लास है तो पद कैसा पावेंगे? थर्ड क्लास पद पावेंगे। अब रही सेकंड क्लास, तो सेकंड क्लास उनकी समझ में नहीं आने वाला, उनकी बात छोड़ दो। अब एडवांस में आ जाओ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों में, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों में फर्स्ट क्लास मुरली तो उनको जरूर मिलती है जिन्होंने बाप को पहचाना है, और फर्स्ट क्लास मुरली सुनने के लिए लालायित भी रहते हैं, दूर दूर से भाग भाग करके भी आते हैं। लेकिन फिर कोई ऐसे होते हैं जो अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं और मानव मतों में फंस पड़ते हैं, तो फिर वो क्या सुनते हैं क्या पढ़ते हैं? वो सेकंड क्लास पढ़ते हैं सुनते हैं या थर्ड क्लास या फर्स्ट क्लास? है क्या करते हैं? अरे जो विष्णु पार्टी में चले गए मान लो, या कोई भी विष्णु पार्टियों में चले गए, वो उनको फर्स्ट क्लास माल मिलता है सेकंड क्लास मिलता है या थर्ड क्लास मिलता है? है फर्स्ट क्लास मिलता है, है थर्ड क्लास? थर्ड क्लास माना तीन नंबर माना क्या है? थर्ड क्लास जो माल मिलता है वो क्या चीज है? पसीना आने लगा है। अरे थर्ड क्लास उनको क्या मिलता है? मुरली तो एडवांस में छपती नहीं है, और बीके वालों से उनको मुरली मिलती नहीं है छपी हुई जो पढ़े बैठ करके, तो क्या थर्ड क्लास मिलता है? उनको न थर्ड क्लास मिलता है न सेकंड क्लास मिलता है, क्योंकि सेकंड क्लास तब कहे जब बाबा की टैप रिकॉर्ड में टैप की हुई मुरली वो सुने, और जिस पार्टी में जाते हैं वो पार्टी वाले जो मुखिया हैं वो उनको ये बात बताते नहीं कि हम तुम्हारे बाप हैं, या कौन तुम्हारा बाप साबित होता है, बाप की बात तो गुम कर देते हैं, बाकी सारी बातें बताती रहते हैं। ब्रह्मा कुमारियां ये करती है, एडवांस में ऐसे होता है, दुनिया में ऐसे होता है, वो बातें सुनाई। तो न तो तू फर्स्ट क्लास मुरली कहेंगे, न सेकंड क्लास कहेंगे, और न फर्स्ट क्लास कहेंगे, तो उनको पद पाने की तो बात है ही नहीं। बाकी एक बार बाप के चरणों का आ गए हैं तो स्वर्ग में तो जरूर आ गए। अब रही फर्स्ट क्लास वाली बात, प्रजापति जो बाप के बनकर के और बाप को छोड़ जाते हैं उनका क्या पद बनता है? उनका तो नीच पद बनेगा ना, सद्गुरु निंदक और न पावे, अभी भी और नहीं पाते और वहां भी
छावर नहीं पाते। और बाबा एक मूल्य में बोला है कि क्रिश्चियन समूह प्रधान होते हैं, क्रिश्चियन समूह प्रधान होते हैं, क्रिश्चियन 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 समूह प्रधान होते हैं, किंतु सात्विक बुद्धि होने के कारण बाप को पहले पहले पहचान लेते हैं। क्रिश्चियन समूह प्रधान होते हैं किंतु सात्विक बुद्धि होने के कारण बाप को पहले पहले पहचान लेते हैं, तो समूह प्रधान की बुद्धि सात्विक होती है बाबा? कहते हैं नीम अकीमे खतरे जान, जो अधूरा हकीम होगा, अधूरा डॉक्टर होगा, तो अधूरी पढ़ाई कहेंगे या पूरी पढ़ाई कहेंगे? अधूरी। बाबा की भाषा में चूहरे को हल्दी की गांठ मिल गई और वो पसारी बन करके बैठ गए, तो क्या पंसारी बन जाएगा, साबित हो जाएगा? नहीं। ऐसे ही जो विदेशी है वो बुद्धि प्रखर होने के कारण बाप को पहचान तो लेते हैं, लेकिन अंत तक पहचान कर निभाए नहीं पाते, तो कहेंगे पूरा पहचाना है? नहीं पहचाना, पूरा नहीं पहचाना, इसलिए तो छोड़ देते हैं। पहचान करके छोड़ दे तो 100 गुना पाप चढ़ेगा, इससे तो अच्छा न पहचाना होता तो ज्यादा अच्छा था, कम से कम अंत में तो आता, लास्ट तो पास जा सकता था, उस लिस्ट से भी मारेंगे। इसलिए बुद्धि में है तो तीखे, लेकिन वो बुद्धि तामसी कहेंगे या सात्विक कहेंगे? काम की बुद्धि है। और जाम कहते हैं राजा को, जो राज्य में जम के बैठता है, आधे में राजा माने सारी प्रजा, सारे राज्य की जो भी कमाई होती है उस कमाई में आधे में राज परिवार पलता है और आधे में रैयत अर्थात प्रजापलती, इतना मर्तबा है राजाओं का, राजाई का। क्यों? क्योंकि राजाई की स्थापना भगवान करता है, इसलिए राजा बनना अच्छा है, लेकिन चंबे में ना आ जाए, क्योंकि जो मानव मत के चंबे में आ जाते हैं वो फिर राजा नहीं बनते, फिर तो मनुष्य मत राजा बनाती ही नहीं है, मनुष्य सदैव मनुष्य को आधीन बनाता है और भगवान स्वाधीन बनाता है, राजा बनाता है। और बाबा मुझे में कहा है कि 25 पावन सीता रामच क्यों कहते, राम क्यों नहीं कहते? सीता का नाम इसलिए आगे है कि सीत माने ठंडा, स्वभाव संस्कार कैसा है? ठंडा स्वभाव संस्कार, जिसका स्वभाव संस्कार ठंडा होगा, शीतल होगा, उसमें ज्यादा विकार होंगे, या जिसमें गर्मी भरी होगी उसमें ज्यादा विकार होंगे? विकार ज्यादा किसमें होते हैं? गर्म में ज्यादा विकार होते हैं। तो शीतल, सीता तो है ही शीतल, चंद्रवंशी, चंद्रमा शीतल है और सूर्य, सूर्य गर्म है। ये सूर्यवंशी जितने भी मणके हैं रुद्रमाला के मणके, ये गर्म स्वभाव के हैं या ठंडे स्वभाव के हैं? गर्म स्वभाव के हैं, इनमें सब लग रहे हैं, इनमें शीतलता नहीं है, और जो चंद्रवंशी निकलेंगे वो सब शीतल स्वभाव के होंगे, उनकी मुखिया तो और भी ज्यादा शीतल स्वभाव की, इसलिए वो शीतल स्वभाव वाली जब तक न निकले सहयोग के रूप में, तब तक राम वाली आत्मा भी पतितों को पावन नहीं बना सकती। और
66 में सोमनाथ का पाठ बजाने वाली आत्मा यज्ञ में माउंट आबू में आ जाती है। कौन सा तुम आ जाती है? कौन सा आ जाती है? कौन सी आत्मा आ जाती है? 66 वो ही आत्मा आ जाती है जिसके लिए मुरली मताया है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव बाबा है। ये एग्जाम में लिख दिया तो बच्चे को फेल कर दिया। सच्ची बात लिख दी या झूठी बात लिख दी? सच्ची बात लिख दी, झूठी दुनिया तो उसको फेल कर दी। वो ही आत्मा है जो सोमनाथ मंदिर कौन सा साबित होता है? अरे एक ही मंदिर है जो राजा विक्रमादित्य की आत्मा ब्रह्मांड बाबा के द्वारा माउंट आबू की धन संपत्ति लगाकर स्थापन किया जाता है और सब सेंटर को दूसरे लोगों के द्वारा खुलवाए हुए। एक सेंटर ऐसा था जो ब्रह्मा बाबा ने खुलवाया था। उस सेंटर में वो सोमनाथ और सोमनाथिनी साबित हो जाते हैं क्योंकि सोम कौन है, चंद्रमा कौन है, ब्रह्मा बाबा के द्वारा वो मंदिर स्थापन किया गया, इसलिए सोमनाथ का मंदिर हुआ। और सोमनाथ के मंदिर में सोमनाथ के साथ सोमनाथ ने भी चाहिए। कोई मंदिर की स्थापना होती है तो पहले मूर्ति स्थापन करते हैं या पहले मंदिर बनाते हैं? है? पहले मंदिर बनाते हैं, फिर मूर्ति स्थापन करते हैं, फिर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मम्मा के स्थान पर कोई निमित्त आत्मा यज्ञ में आ चुकी थी और जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो उसी वक्त कोई निमित्त आत्मा यज्ञ की सरपरस्त यज्ञ में आ चुकी थी। वो ही राम सीता वाली आत्मा है, सोमनाथ या सोमनाथ नहीं है। प्रजा पिता मुरली सुनाते हैं तो ब्रह्मा को भी कभी सुन लेते हैं। प्रजा पिता मुरली नहीं सुनाते हैं, मुरली सुनाने वाला शिव बाबा है। शिव बाबा सुनाते हैं हाँ। तो वो सुन लेते हैं तो फिर गुलजार दादी के तन में आते हैं है? तो फिर यहाँ की बातें बोलना चाहिए क्योंकि ब्रह्मा की ये आत्मा जो है जब शरीर नहीं छोड़ा था तो उनकी तीन स्टेजेस थी, एक साकारी स्टेज, एक आकारी स्टेज और एक बिंदु रूप निराकारी स्टेज। जब उनका शरीर छूट गया तो साकारी स्टेज खत्म हो गई। कौन कौन सी स्टेज रह गई? आत्मा आकारी और निराकारी। तो जब राम वाली आत्मा जो सारी सृष्टि का बीज है, निराकार बीज होता है, बाप निराकार को कहा जाता है, उस निराकारी बीज रूप आत्मा के संग में आती है तो निराकारी बन जाती है। उस समय निराकारी, फिर जब उसमें से निकलती है और गुलजार आदि में प्रवेश करती है तो आकारी बन जाती है। ये बातें उसको याद नहीं रहती। तो आकारी बन जाने के कारण जो है उस आत्मा में तो वो निराकारी ज्ञान उड़ जाता है, निराकारी स्टेज ही उड़ गई, इसलिए वो ज्ञान नहीं रहता। और नीचे कब बैठेगा तो? है नीचे है बाप नीचे बैठेगा। हाँ इनको कैसे बैठेगा? जब गीता का भगवान कृष्ण नहीं, मैं कृष्ण आत्मा गीता का भगवान साकार में नहीं। हाँ तो गीता का था नहीं नहीं तो ये कब बैठेगा? हाँ ये नीचे तभी बैठेगा जब उनके कोई व्यक्ति थक जाता है, चारों तरफ भटक भटक के थक जाता है तो आखिरी नाक रगड़ के बैठ जाता है। अच्छा ये ऐसी होती है भक्तों की हालत। और भगवानी जो अपने काम की बातें नहीं है और कभी अपने को पसंद ही नहीं है,
फिर भी वो सामने आती है तो ये कैसे हिसाब है? चलिए सर, जन्मों का हिसाब किताब नहीं है, इस जन्म में काम की बातें नहीं है, इस जन्म में पसंद नहीं है। क्या तिरसठ जन्मों में पसंद नहीं थी? तिरसठ जन्मों में पसंद रही होगी इसलिए सामने आ रही। इस साल कितन बाबा का साथ लो, कितन बाबा को अपने साथ में लेके रहो, फिर भी वो बात बताती बताएगी ना। तिरसठ जन्मों में जिनका संग किया है वो आएंगे सामने, सामने नहीं आएंगे। पुरुषार्थ पीछा है ना, पुरुषार्थ जो है तो पीछे नहीं रहेगा क्या? पुरुषार्थ वो इसीलिए पीछे रहेगा कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बने नहीं ना। जिन्होंने बुरा कर्म किया है उनके सामने शूटिंग पीरियड में रील बुरी घूम रही है, वो पुरुषार्थ को आगे नहीं बढ़ने देती। जिन्होंने अच्छे कर्म ज्यादा किए हैं उनके सामने अच्छी बातें ज्यादा आती है, न चाहते वो पुरुषार्थ तीखा हो जाता है। ये तो सभी अनुभव करते हैं, कभी अवस्था बहुत अच्छी बन जाती है न चाहते हुए भी, और कभी अवस्था बहुत पुरुषार्थ करते हैं तो भी नहीं बनती। भावना प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। भाव जो है वो प्रधान होता है, भाव के आधार पर कर्म बनता है, अकर्म बनता है, विकर्म बनता है। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, उनका भाव क्या है विनाश करने का? है शंकर द्वारा जो विनाश गाया हुआ है या शक्तियां असल संघारणी गाई हुई है, वो शक्तियों का भाव क्या है विनाश करने के लिए? कल्याण का भाव है या अकल्याण का भाव? कल्याण का भाव, अच्छा ही बने। कोई भी कर्म है, कर्म करने के पीछे भाव क्या है वो देखा जाता है। सुल्ताना डाकू है, डकैती डालता है बड़े बड़े साहूकारों के घर में, लेकिन जितने भी डकैती डाली, जितना भी पैसा कमाया, सारा जीवन उसने गरीबों को बांटा, तो उसका मुख्य ध्येय क्या है जिंदगी का? गरीबों को सहयोग कर। तो उसका भाव जो है अच्छा है या खराब है? भाव तो अच्छा है, लेकिन कर्म का तरीका उसने अच्छा नहीं ढूंढा। फिर भी भाव अच्छा होने के कारण उसका पाप कर्म उतना नहीं है। मंथन करना चाहिए है तो बाबा ने तो मंथन करके सबको तो ज्ञान सुनाया, फिर बाबा ऐसा बच्चों के लिए क्यों करते? क्या बाबा बोलते ज्ञान सुनने के बाद मंथन करना चाहिए, इससे तुम्हारा उससे साथ नहीं मिलेगा। बाबा ने तो ज्ञान को तो मंथन करके तो ज्ञान बच्चों को सुनाया, मंथन का सार क्या निकला? अरे मथा जाता है तो कुछ निकलता है कि नहीं? निकलता तो क्या सार निकला? नहीं निकला है? ज्ञान का ही तो मंथन किया, उसका सार क्या निकला वो तो पता ही नहीं आपको। उसका सार निकला राम वाली आत्मा और राम के नजदीकी जो संबंधी सीता वाली आत्मा और जो भी आठ बच्चे हैं नजदीकी, उन सबके पार्ट खुल गए, ये सार निकला ना है। ऐसे ही हर आत्मा अगर मंथन करेगी तो उसकी जो अपनी अपनी दुनिया अपने आत्मा की सितारे में बसी हुई है वो दुनिया प्रत्यक्ष हो जाएगी, वो सार निकलेगा। हर आत्मा को ये मंथन करना चाहिए, मंथन करेंगे तो सार जरूर निकलेगा। हर सितारे में अपनी अपनी दुनिया बसी हुई है या नहीं बसी हुई है? अरे हमने 84 का चक्कर लगाया तो 84 के चक्र में हमारे संसर्ग संपर्क में वही आत्माएं आई होंगी जो राम वाली आत्मा के साथ आई होंगी, या कोई दूसरी भी होंगी है? हमारी दुनिया कुछ अलग होगी ना, भिन्न होगी ना, तो वो अलग दुनिया कौन सी होगी वो हमको पता चलना चाहिए कि 84 जन्मों में हमने कौन कौन सी आत्माओं के साथ क्या क्या कैसा कैसा कहाँ कहाँ किस स्टेज में पार्ट बजाया। अगर ये पता नहीं है तो हमारा मंथन अधूरा है। अधूरा मंथन है इसका मतलब पार्टधारी जो आत्मा है वो बेवकूफ है या होशियार है? बाबा
अलौकिक सोने की जंजीर में बंधे होने के कारण मुरली में बोला है कि अलौकिक सोने की जंजीर में बंधे होने के कारण कन्याओं का झुंड नहीं बनता, तो ये तो अलौकिक सोने की जंजीर क्या होगा बाबा? आपस में एक दूसरे के साथ ज्यादा निभाना, ज्यादा अटैचमेंट में आना, ये सोने की जंजीर। जो लौकिक संबंधी है उनसे तो बुद्धियों को छूट गया, क्योंकि एक जन्म का संबंध है। और जो ब्राह्मणों की दुनिया में जो संबंधी है, जिनके संबंध में आना पड़ता है, संपर्क और संसर्ग में आना पड़ता है, जीवन में नजदीक आना पड़ता है, कर्मों में वाचा में, तो उनको हम ये समझते हैं कि हमारे 84 जन्मों के संगी साथी हैं। उनसे जब मोह लग जाता है, लगाव लग जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, तो वो टूटना मुश्किल है या कठिन है? एक जन्म का टूट गया वो आराम से टूट गया ज्ञान मिलने के बाद, लेकिन ये जो अनेक जन्मों का हिसाब किताब बनता है यहाँ, वो फिर तोड़ना कठिन हो जाता है। ये सोने की जंजीर हो गई, ज्यादा कास्टली हो गई। और आते तो है, लेकिन उनको मुरली दोबारा पढ़नी दी जाती है उनको, देखो तुम्हारे द्वारा ये वाणी चलाई गई, वो पढ़ती है दोबारा, तब उन्हें पता चलता है कि हमारे द्वारा ये वाणी चली। एडवांस सच्चाई को कहा जाता है या झूठ को कहा जाता है? सत्य ही एडवांस है। एडवांस उसे कहा जाता है जो सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोले, क्या उसको कहते हैं सत्य? सत्य जो है वो कभी नाक नहीं रगड़ता है जिंदगी भर, सच्चाई के सामने सबको झुकना पड़ता है। तो एडवांस को सारी दुनिया मानेगी या कोई दुनिया में ऐसा रह जाएगा जो ना माने? सारी दुनिया को मानना पड़ेगा। बाप को तो पहचान नहीं पहचानना पड़ेगा, बाप की पहचान हुई मैंने एडवांस में आया। बाप की पहचान नहीं है तो ब्रह्मा कुमार हो सकता है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार नहीं हो सकता। बाप की पहचान हुई माने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हो गया, एडवांस में आ गया। और शनि शनि का भी जो शनि महात्मा कहते हैं, और शनि का भी तो मानना है, शनि सिंगापुर जो है कि नहीं? क्या शनि सिंगापुर गाँव है? लोग वहाँ पे मिलने के लिए जाते हैं तो उसको बहुत भारी देवता मानते हैं, वो उसके किसकी यादगार है? शनिदेव का मंदिर है ना, तो शनिदेव की यादगार है। बाबा राम ही रावण बनता है और कृष्ण ही कंस बनता है, तो ये कृष्ण ब्रह्मा वाली आत्मा के लिए है या संगम भी कृष्ण के लिए है? संगम भी कृष्ण है, उसमें ब्रह्मा वाली आत्मा नहीं है बोलू? बाप और बच्चा मिलकर के एक हो जाता है, एक स्वभाव संस्कार का हो जाता है या अलग अलग स्वभाव संस्कार रहता है? संगम भी कृष्ण का मतलब क्या? किसका संगम? बाप और बेटे का संगम, बाप और बेटा दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो गए। कहा बाप का संस्कार जो मनुष्य शक्ति का बाप है, वो अपने को भगवान बाप कभी कहता ही नहीं। मुरली में कैसेट में या वाचा में या चिट्ठियों में कहीं साबित ही नहीं होता। और एक ब्रह्मा का पाठ है मुरली में रोज, मैं कौन हूं? मैं गीता का भगवान, मेरे में शिव बाबा आता है। प्रूफ कुछ भी नहीं, प्रूफ कोई साबित होता है? नहीं साबित होता, लेकिन मान लिया।
तो कितना अंतर है दोनों आत्मा में? बाबा मुरली तो एक बात नहीं सुनाई, फिर भी वो यकीन क्यों नहीं कर रहे? बाबा फिर भी कोई यकीन क्यों नहीं कर रहे? वो उधर वाली आपने जल्दी एकदम यकीन कर लिया था क्या? आपने भी तो टाइम लगाया था ना? आप उनकी बात है ना? आपने थोड़ा टाइम लगाया, उन्होंने ज्यादा टाइम लगाया। आपने जो टाइम लगाया उसमें 100% निश्चय बुद्धि तो कोई नहीं बना, कोई बना है? कोई नहीं बना। माया हिला देती है, अरे ये बाप नहीं है, ऐसा बाप होता है क्या? नहीं, वो थोड़ी थोड़ी थी, सबसे ब्रह्मा बाबा के पास थी ना, है छोटी छोटी थी ना वो, ब्रह्मा बाबा की पालना नहीं थी तो प्योरिटी है, तो फिर उनको तो यकीन करना चाहिए। क्या यकीन करना चाहिए? ज्ञान को। क्या ज्ञान पे? ज्ञान की कौन सी बात पे यकीन करना चाहिए? प्रजापिता में भगवान, भगवान छोटी छोटी ब्रह्मा कुमारी जब ब्रह्मा की गोद में खेलती थी तो उस समय क्या प्रजापिता का ज्ञान था? लेकिन अभी सुनती होगी ना है? अभी सुनती होगी। अभी उन्हें कोई सुनाने वाला सामने मिलता ही नहीं। आप जाते हैं तो आप प्रभावित हो जाते हैं या डर के भाग जाते हैं? हाँ। पूछ रही हूँ, हो सकता है गलत भी, मुझे क्षमा चाहती हूँ। प्रजापिता की लाश घूम कर दी गजे आदि में, इतनी दुश्मनी प्रजापिता से है? इतनी दुश्मनी प्रजापिता से क्यों, क्यों वो नाम क्यों नहीं लेते? पहले सन 76 से पहले तक तो जबकि एडवांस ज्ञान प्रोटेक्ट नहीं हुआ था तो प्यू का नाम घूम लिया जाता था दीदी दादियों के मुख से, रोज उनकी कहानी सुनाती थी। फिर जैसे ही एडवांस ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ प्यू का नाम लेना बंद क्यों कर दिया? क्योंकि हाँ, क्योंकि ये कि आज से ही ये धोबी घाट चलता चला आया है। क्या ये चैतन्य कपड़े ये कि आज से ही धोता चला आया है बाप? और वो बात अगर उजागर हो जाएगी तो छूतहैया हो जाएगी कि नहीं? कि तुम इतना विरोध करती हो, इतना विरोध कि तुम मुंह से कर रही हो, जबकि तुम्हारे आज का हिसाब किताब क्या था? वो तो हिसाब किताब खोलो। तो पियू का नाम लेना ही बंद। चुप बाबा, पियू पियू मरा कौन सी आत्मा? पियू मरे बाप। बाबा भक्ति मार्ग में राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी राजा कोई नहीं, ऐसा कहते हैं। और मुरली में भी बाबा ने मोहजीत राजा कहा है, मोहजीत राजा। इसके बावजूद भी हरिश्चंद्र ने ऐसा कौन सा कर्म किया कि उन्हें चांडाल पद पाना पड़ा? हरिश्चंद्र ने कर्म नहीं किए, संगम युग में कोई शूटिंग नहीं हुई। संगम युग में आज ने कर्म नहीं हुआ कि ब्रह्मा बाबा ने उनसे कोई हिसाब किताब नहीं मांगा प्रॉपर्टी का? उन्होंने जो कुछ दे दिया तो उन्होंने ले लिया और उसको विश्वास भर गया प्रजापिता को, क्योंकि ज्ञान पूरा था नहीं यदि के आदि में, और सारा लेकर के बैठ गया और खूब लड़ाई लड़ी, दोनों पार्टियों में झगड़ा हो गया। तो गरीब नहीं बनना पड़ेगा। बाबा कहते हैं देवता तो भूतों होते हैं, फिर ज्ञान तुम बच्चे लेके हो तो ज्ञान की नहीं कर, फिर देवता कैसे बनेंगे? फिर ज्ञान लेकर तुम भी तो भूतों बनोगे। ज्ञान का सार क्या है प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में ज्ञान का सार है मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरा बाप ज्योति। ये 24 घंटे वो इच्छार याद रहता है, अगर याद रहता है तो ज्ञान का सार धारण कर लिया देवता बन गया, अगर याद नहीं रहता है तो सार धारण नहीं किया देवता नहीं बने। देव अन्य आते रहते हैं तो देवता कैसे कहेंगे? ब्राह्मणों के नाम कुरिया है, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लामी,
बहुत ही संसार जो अलग अलग भरे हुए हैं, ये अलग अलग पूरी के ब्राह्मण हो गए प्रकार है। हाँ बाबा, आज की मुरली में जो साहबजादे और शाहजादे दोनों बोला है तो एक ही है कि अलग अलग है? साहबजादे और शाहजादी है, साहबजादे और शाहजादे। शाहजादे बनेंगे सतयुग में, नई दुनिया में, वहाँ शाह होगा। क्या चावन शाह कोई अभी इस दुनिया में है? कोई नहीं। लेकिन जब बाप की पढ़ाई पूरी होगी, राजयोग की पढ़ाई पूरी होगी, तो राजयोग से जो राजा बनेंगे वो कहे जाएंगे शाहजादे और शाहजादी। अभी हम क्या हैं? अभी हम साहबजादे और साहबजादी हैं। साहब हमारा है, जब साहब को तो सुख मिले, एक युवा दूसरा कोई, ये हमारा साहब है। आज दुनिया में नौकरी करते हैं ना, जो भी नौकरी करते हैं तो नौकरी का नौकरी करते समय जो हेड होता है उसको कहते हैं बॉस। क्या कहते हैं? बॉस। वो साहब होता है। तो ऐसे ही हमको ब्राह्मणों की दुनिया में सेवा मिली हुई है। हमारी जो ब्राह्मणों की दुनिया है उस ब्राह्मणों की दुनिया में हमारा साहब भी है। साहब जैसे चलाए वैसे चलना है। बाबा, मुरली में कहा है कि जब सारी दुनिया बाप को पहचानेगी तो उनके बच्चे भी सतयुग में आएंगे। सारी दुनिया पहचानेगी तो सारी दुनिया के बच्चे सतयुग में आएंगे। सतयुग में आएंगे तो सारी दुनिया के बच्चे। उसमें वैसे कहा बाबा, नंबर मैंने देखे ने बराबर तो सतयुग के आखिरी में तो 2 करोड़ ही जनता रहती है, तो सारी दुनिया के बच्चे कैसे आएंगे वहाँ? क्या बोल रही है? बोल रही है, पहले दोबारा पढ़ो। ठीक ठीक बोलो बाबा। सारी दुनिया पहचानती है, पूरा एक जैसा नहीं पहचानती है। पहचानने वाले जो होते हैं वो नंबरवार होते हैं या एक जैसे होते हैं? जो नंबरवार जितना पहचानेंगे उतना ही प्राप्ति करेंगे। बाप की पहचान ही मुख्य है। जितने जितना ज्यादा पहचाना होगा वो दूसरों को पहचान भी उतनी जास्ती देगा। जितनी जास्ती पहचान देगा, जितनी ज्यादा जास्ती सेवा करेगा उतना ऊंच पद पावे। तो सब थोड़े ऊंच पद पावेंगे। और हाँ सतयुग में सतयुग शुरू होगा तो जो ये कलयुग के लोग हैं तो उनको वो सतयुग कुछ दिन के लिए देखने के लिए मिलेगा जो बाहरी लोग कलयुग वाले कलह कलेश की दुनिया की हो लोग। जो कलह कलेश की दुनिया के लोग हैं वो रावण संप्रदाय है या राम संप्रदाय है? तो कैसे राम संप्रदाय की दुनिया को देखेंगे? सुनेंगे सिर्फ कि हाँ ऐसा कोई पैराडाइज है, ऐसा कोई स्वर्ग है, ऐसी कोई जन्नत है। लेकिन उनको शरीर छोड़ने के बाद देखने के लिए नहीं मिलेगा, ऐसा पुरुषार्थ भी नहीं किया। 84 पूरे जन्म लेने वाले होंगे तो देखेंगे। पूरे 84 जन्म के चक्कर में आते ही नहीं है तो देखेंगे कैसे? हाँ जब ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा, जब ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा तो कोई अनन्य बच्चों से भूल न होगी, सब माला के दाने अनन्य बच्चों से भूल न होगी, भूल नहीं होगी, भूल सब माला के दाने बनेंगे। अनन्य बच्चों अनन्य वाले जैसे और कोई न हो, उन जैसे दुनिया में और कोई न हो उनको कहेंगे अनन्य माला के मर्के। बाबा, मुरली में कहा है कि आत्मिक स्थिति में रहते हुए यदि कोई किसी की हत्या भी कर दे तो भी पाप कर्म नहीं होगा, तो आत्मिक स्थिति में रहते हुए पाप कर्म कैसे हो सकता है? आत्मिक स्थिति में रहते हुए भी पाप कर्म हो सकते हैं? जो आत्मिक स्थिति वाला होगा उसका भाव श्रेष्ठ होगा या गिरा हुआ भाव होगा? फिर पाप कर्म का आदमी बन जाएगा। Thank you.
बाबा जैसे एक को नाच नचाया वैसे सभी को नाच नचाएंगे ऐसा दादा ने संकल्प लिया है। संकल्प लिया है दादी ने, दादी दादी जी ने। और जिनको नचाना है उनको अंदर में चार बातें लानी है, वो कौन क्या समझा तुमने समझा? वैसे एक को नाच नचाया भाई वैसे सभी को नाच नचाएंगे, और जिनको नचाना है उनके अंदर में चार बातें लानी है, वो कौन दादी का संकल्प? दादी का संकल्प। और दादी की माँ के पढ़ती रहती है, मुरली में नहीं आया है तो दादी का वाक्य पढ़ो तो मुरली थोड़ी कहेंगे उसे। तो बना बनाया है तो बनाया है इसलिए बनता है वो मुरली में। बाबा ने बोला है कि बाबा एक बार अमरनाथ में गया, वहाँ गुफा में घुस करके देखा सवेरे 4 बजे तो कोई ब्राह्मण बच्चा बर्फ का लिंग बना रहा, तो बना बनाया होता है या बनाना पड़ता है? और ब्राह्मण बच्चा देखा वहाँ, इसका मतलब ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ब्राह्मण बच्चा होता है जो प्रैक्टिकल में बर्फ का लिंग बाबा की याद में बनाता है, जिसकी संसार में पूजा होती है, ये बाबा का इशारा है। बाकी बिना बनाए कुछ नहीं होता है क्या? हाँ होता है। हाँ कौन आराम करते? कबूतर? कबूतर आराम भी करते हैं गंद भी करते हैं। और बाबा बलराम विष्णु का बड़ा भाई दिखाया है, तो बलराम बड़ा भाई दिखाया है और राम वाली आत्मा तो अभी संगम से लक्ष्मी नारायण बनने वाली, लक्ष्मी बनेगी जन्म देंगी कृष्ण को, तो पहला पत्ता तो कृष्ण है, राम बड़ा भाई कैसा दिखाए? पहला पत्ता है, पत्ते को जन्म देने वाला बीज तो नहीं है, बीज बाप को कहा जाता है या पत्ते को बाप कहा जाता है? बाप को बीज कहा जाता है, तो बीज है राम बाप और पत्ता है कृष्ण। हाँ वही बलराम, किसका राम, किसका बल है? राम का बल है। कृष्ण में जो बल आया, जो सत्यु का प्रिंस बना, उसमें वो बल किससे आया, उसे किसने पैदा किया? राम ने पैदा किया, तो बलराम हुआ। बाबा भरत की भक्ति इतनी श्रेष्ठ दिखाई है, राम वनवास में जाते हैं तो वो पादुका की पूजा करके बैठते हैं, तो वो भरत वाली आत्मा कौन? भरत वाली आत्मा बोल, जो राम वाली आत्मा का एडवांस में आने के बाद भरत पोषण करती है पहले पहले नंबर में, है अभी तो विरोधी है, तो विदेशी आत्मा है, इस्लाम धर्म की बीज है, शुरू शुरुआत में उसने पहचाना बाप को, पहचाना और उसकी पालना की, और कोई ने न पहचाना न उसकी पालना की, इसलिए विश्व भरण पोषण कर जो ही ताकर नाम भरत है, तो पूरा पद पालेंगे है, ऊंचा पद पालेंगे। कहाँ ऊंचा पद हुआ? जब राजगद्दी का चित्र दिखाया जाता है तो दास दासी का काम कर रहे हैं कि ऊंचा पद पाया हुआ है? लेकिन सचिव में आना ऊंचा पद होता है, सचिव में आए और प्रजापद में चला जाए तो ऊंचा पद होता है, लास्ट के जन्म में कोट पत्र मिल जाए ऊंचा पद मिल जाए उसको ऊंचा कहेंगे, प्रजा पद पाएंगे और क्या, राजा पद पाएंगे। सदगुरु निंदा पर ठौर न पावे, पहचाना तो फिर पहचानने के बाद अगर निंदा कराई तो पद पावेगा, पद थोड़ी पा सकता।
एडवांस की आत्मा बाबा भक्ति करके बाप से मिलके बाप को हाथ छोड़ देती है, तो क्या इसकी आत्मा शरीर छोड़ने के बाद पुनः ज्ञान में आती है? ज्ञान उठा करेगी, उठाएगी कम पाई पूजन के जो छोड़ने की संस्कार उसके अंदर विधिवत, जो छोड़ता है वो कुछ ना कुछ दिगलानी भी करता है, दिगलानी करने की संस्कार विधिवान। प्रजा का पद कहाँ महसूस होगा? प्रजा उसे संगम पर जो प्रभावित होते हैं औरों से वो प्रजा पद में जाते हैं, तो वो आत्मा को महसूस होगा? अब महसूस नहीं होता है, इन्होंने कोई बात कह दी हमारे कान में लग गई, सर दर्द कर रहा है, बहुत परेशानी पैदा हो गई, इसने हमसे ऐसा क्यों कह दिया, हमें बड़ी फीलिंग आ रही है, सारा टाइम वेस्ट हो गया, वो राग करना खत्म हो गया, 24 घंटे वो ही बात याद आ रही है, तो प्रजा बन गया ना, प्रबंध हो गया ना। तो ये संगम की बात है, संगम में अनुभव होना चाहिए, हम प्रजा बनने वाली आत्मा, प्रभावित होने वाली आत्मा, प्रभावित होना माने प्रजा, नहीं तो शिव बाबा जिस तन में प्रवेश करता है उसका सारी दुनिया विरोध करती है, सारी दुनिया ग्लानी करती है, दुनिया वाले ग्लानी करते हैं, रिश्तेदार ग्लानी करते हैं, मोहल्ले वाले गांव वाले ग्लानी करते हैं, बीके वाले ग्लानी करते हैं, अखबारों में सारी दुनिया ग्लानी करती है, टीवी ग्लानी करती है, तो प्रभावित होता है नहीं। माता ठोकता है बैठ करके, प्रभावित माना ही प्रजा, और प्रभावित ना होना माने राजा, ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बाबा नहीं बोला एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल, तो अभी तो मुरली बोला हियर नो इवन टॉक नो इवन, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल भी दो और बदले में कोई जवाब भी मत दो, चुप रहो, कोई न कुछ उल्टा पलटा बोला और हमने उल्टी पलटी बात कह दी, तो कोई सहन करना थोड़ी हुआ, प्रभावित होना थोड़ी हुआ, वो क्या कहते हैं ये कोई राजा बनना थोड़ा ही हुआ, किसी ने दुख दिया बदले में हमने दुख दे दिया। नास्तिक धर्म वाले भगवान को मुरली के अंत तक नहीं मानते हैं, जब गीता का भगवान शिव बाबा जी प्रत्यक्ष हो जाएगा तब नौ धर्मों से मुखिया तो रहेगी, यहाँ नास्तिक धर्म का मुखिया वहाँ पे जैसे रचित कर दिया, जब नास्तिक धर्म का नास्तिक धर्म है वो कैसे पहुंचेंगे या वो कौन रहेगी, उनका मुखिया कौन रहेगा? जो आत्माएं सत्युग में तो आती हैं, लेकिन सत्युग में आने के बावजूद भी सत्युग के अंतिम जन्म में जो नारायण है अर्धनास्तिक आर्यसमाजी बनने वाला, उस नारायण की प्रजा में आ जाती है, राजपद में नहीं आती, उनसे गुरु नास्तिकों का जन्म होता है, क्योंकि आर्य समाज है आदि नास्तिक, देवताओं को नहीं मानते हैं, लेकिन देवताओं में परमात्मा आता है, तो जैसे कि परमात्मा को भी नहीं मानते, निराकार को मानते हैं साकार को नहीं मानते, तो मानना न मानना बराबर हो जाता है। शरीर की आर्जन तो विनाशी है, फिर भी आत्मा बार बार शरीर धारण क्यों करती है? आत्मा अविनाशी है ना, इसलिए बार बार शरीर धारण करती है। बाबा जब वो मनुष्य शरीर छोड़ता है तो वो आत्मा 10 दिन वही रहती बोलते बीके में, बोले 10 दिन वो आत्मा वही रहती है, बोले तब देखती बोले। कौन बोले? बीके में बताया है। कौन बोले? बीके बोले, जो बीके बोले वो सच्चाई है। नहीं नहीं, फिर कैसा है वो गलती है या गलती? आप बीके वाली बातें क्यों सुनते हैं? अभी हमको प्रश्न, आप बीके में अभी भी जाते हैं? नहीं, बात कानों में बात वही पूछ रहे हैं, तभी की बात है, है? तभी की नहीं थी, अभी मैं बोलती हूँ आत्मा रहती है क्या, बोलती क्या तुरंत चली जाती? मुरली में क्या बोला तो नहीं याद रहा?
मुरली में तो बोला आत्मा शरीर छोड़ती है और तुरंत जाकर के एक सेकंड में शरीर में प्रवेश कर जाती है। फिर उनकी तेज भी अभी तो करती है, कौन करते हैं जो करते हैं उन्हें करने दो, हमें क्यों याद आता है, याद नहीं आता, हम उनसे प्रभावित क्यों होते हैं, ये कहाँ का आना चाहिए। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं वो सब बुद्धू बना करते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं। जो द्वापर युग से हुए वो श्रेष्ठ आत्मा थे, अभी की जो श्रेष्ठ आत्मा है, द्वापर युग से जितने भी पैदा हुए वो सब भ्रष्टाचारी पैदा हुए या श्रेष्ठाचारी, तो श्रेष्ठ क्यों कहते हैं? नहीं तो लेकिन निवर जो होते होंगे ना यहाँ के सतयुग के जो देवात्माएं थी, देवात्मा तो खत्म हो गए द्वापर युग के आदि में, द्वैतवादी शुरू हो गए, दो दो मतें मानने वाले वो तो भ्रष्ट मत वाले हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए, दूसरे दूसरों के हिंदू लोग तो आकर करके सारे हिंदू प्रभावित हो गए दूसरे धर्मों के। और पवित्र दुनिया भारत की होती है, वो पवित्र जो आत्मा है भारत में रहने वाली थी, ये कलयुग और द्वापर युग में और देशों में क्यों होती है? क्योंकि कच्चे ब्राह्मण उसमें भरे पड़े, जो कच्चे ब्राह्मण है यहाँ कन्वर्ट होते हैं, यहाँ सूटिंग हो जाती है तो वहां भी वहां बुरा ड्रामा कन्वर्ट नहीं हुए, यहाँ प्रैक्टिकल में देखने में आता है ना, एक बाप को मान लिया, निश्चय पत्र लिख के दे दिया, स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे दिया, फिर बाद में ये हमारा बाप नहीं, ये विरोध करने लगे, ग्लानी करने लगे, तो दूसरों से प्रभावित हो गए ना, माने दूसरे की तरफ पता होंगे, अगर यहाँ कन्वर्ट होंगे तो वहां भी मान कन्वर्ट होते। बाबा मुरली ने कहा है कि रात्रि रात्रि जब हलचल मची थी तो वापस नीचे आ जाएगा, अभी नहीं आता है नीचे, अभी भी तो अनिश्चय आता है, नहीं उतना नहीं आता नहीं आते और यादगार जो बनी हुई है कि एक ही सितारा है जो अटक रहता है, अपना स्थान छोड़ता नहीं, भटकता नहीं, और बाकी सब स्थिताए भटकते रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं, स्थाई नहीं रहते, मनता से ही होता है, मनता वो माया संकल्प विकल्प राग लाती है, तो वो जो चक्कर काटने वाली बुद्धि हो गई, तो सारे ही चक्कर काटने वाले हो गए ना। हाँ बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा है ना, तो बाबा की पढ़ाई जिसने सबसे जास्ती पढ़ी होगी वो राजा बनेगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी वो राजा की भरी ढोएंगे, वो क्या केले बनाते रहेंगे, ईंट पत्थर इकट्ठे करके, ईंट पत्थर इकट्ठे करेंगे तो सर के ऊपर वजन लादना पड़ेगा ना, वो भरी ढोने होंगे। भक्ति मार्ग में करते पार्षद करते भक्ति मार्ग में दिखाई है, बाबा यही कहते आगे चलकर तुमको पार्षद करो, तुमको भक्ति मार्ग में करते साक्षात्कार भी तो बाबा ने दो तरह के बता दिए, एक बुद्धि का साक्षात्कार और एक बंद आंखों का साक्षात्कार, तो जो बाबा के बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं उनको बुद्धि का साक्षात्कार होगा, जो माया के बच्चे हैं भक्ति के भक्ति मार्ग वाले बच्चे हैं उनको बंद आंखों का साक्षात्कार होगा, जिनकी बुद्धि नहीं चलती है उनको बुद्धों का साक्षात्कार होगा बंद आंखों वाला, जिनकी बुद्धि चलती है उनको तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। सतयुग में जो देवता होंगे वस्त्र उनको धोना नहीं पड़ता क्या, वस्त्र देवता लोगों के जो वस्त्र होते हैं उनको धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उनको शरीर रूपी वस्त्र नहीं होता है, नहीं वस्त्र होते हैं शरीर रूपी वस्त्र होता है ना, हाँ जी हाँ, तो स्नान नहीं करते हैं,
नहीं 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 है धोना नहीं करने की जरूरत। अरे स्नान करते हैं माने धोना हो गया ना, झरना झरना गिर रहा है गए और नहा लिए इतना, ये कपड़ा का धोना नहीं हुआ। नहीं भी शरीर वस्त्र नहीं। हाँ और कौन सा वस्त्र? मकान किस लिए बनाया जाता है, कपड़े किस लिए पहने जाते हैं, कोई कारण होता है तब कोई काम किया जाता है, बिना कारण से किया जाता है। वस्त्र इसलिए पहने जाते हैं कि मनुष्य जो है वो अपने उन अंगों को ढकना चाहता है जिन अंगों से गुप्त काम करता है। जानता है ये चोरी चकारी का काम है, अधिकारी काम है, तो उन अंगों को ढकता है तो कपड़े बनाते। कपड़े इसलिए बनाए जाते हैं कि सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, बरसात पड़ती है, तो उससे बचने के लिए कपड़े पहनते हैं। तो कोई कारण होता है इसलिए कपड़े अवसर हुए, तो वहां न सर्दी होगी न गर्मी होगी, वहां देहाभिमान भी नहीं होगा, वो भ्रष्ट इंद्रियां भी नहीं होगी जिनसे भ्रष्ट कर्म साबित हो। तो कपड़ों की क्या दरकार, इतना बढ़िया शरीर रूपी वस्त्र मिला हुआ है, यहाँ तो देखो वस्त्र कहते हैं कहीं पेट मोटा, कहीं आगे कहीं बाप बाहर, कहीं गाँट फूटो लिए, तो यहाँ वस्त्रों की दरकार होती है। ये अभिमान से आनंद खुशी मिलती है या गायब होती है? दे अभिमान से क्या होता है? गायब होती है। गायब होती है, वहाँ आत्माभिमानी होंगे तो आनंद खुशी नहीं होगी। तीन नदियों का आपस में क्या कनेक्शन है? तीनों नदियां हैं तो आपस में मिलती हैं, बहने बहने हैं तो कभी मिलेंगे नहीं, वही आपस में। और क्या बाबा? और महाकाल की, महाकाल को भी तीन नेत्र होते हैं और महाकाली को भी होते हैं तीन नेत्र बताया गया है, और चंद्रमा भी दोनों को इस पर बताया गया है, और विनाश महाकाल कराते हैं तो महाकाली भी उसके निमित्त बनती है, तो इतनी समानता होने के बावजूद भी महाकाली महाकाल के समान निराकार उसके इसके निर्धारण करते हैं। क्योंकि स्त्री चोला है ना, स्त्री चोला देह अभिमानी होता है या आत्मा अभिमानी निराकारी होता है? क्या होता है? बीज के साथ मिलकर तो निराकारी है, बीज के साथ तो मिलकर निराकारी। कहाँ बीज है? धर्मी, मैंने बोली हुआ कि धर्मी बीज के साथ मिलकर निराकारी। कहाँ बीज मिल गई? बीज के साथ मिली कहाँ? मानो महाकाली है तो बीज के साथ कहाँ मिली? सुप्रीम सोल ही तो प्रवेश करता है, सुप्रीम सोल तो ब्रह्मा में भी प्रवेश करता है। दादा सांप को कान नहीं होते, बेहद में अर्थ क्या इसका? हाँ, जो सांप जैसे भिखारी होते हैं ना, कोई जैसे सांप होता है ना, शंकर जी को सांप दिखाई जाते हैं, विष्णु को सांप दिखाई जाते हैं, तो सांप जो है भिखारों की निशानी है। तो जो भिखारी होते हैं जब विकार का आवेग आता है तो विकार में अंधे हो जाते हैं, कहा जाता है कामांध, कहा जाता है क्रोधांध, कहा जाता है लोभांध, कहा जाता है मोहांध, अंधे हो जाते हैं ना, किसी की बात सुनते हैं है? कोई कितना भी समझाए, अरे भैया शादी न कर बर्बादी हो जाएगी, वो मानते हैं फिर नहीं मानते, तो सांप सांप को कान नहीं होते। बाबा है राम वाली आत्मा के साथ में, राम बाप के साथ में जो आत्मा है उनका पहला जन्म तो सिंध में माना जाएगा ना, उसके पहले वाला जन्म वो सिंध में माना जाएगा ना, जब उनको 9 लाख आत्माओं का संदेश मिला था। ठीक है, जो पहले जन्म में सबसे ऊंचा होता है वो लास्ट जन्म में सबसे नीचे भी गिरना चाहिए,
हिंदी ब्राह्मण सबसे जाति अभक्ष माने जाते हैं। क्या देखो, ब्राह्मणों में जो शादियां होती हैं कन्याओं की, तो ब्राह्मण पूरब की तरफ जाते हैं बच्चा लड़का ढूंढने के लिए, या पश्चिम की तरफ जाते हैं? पूरब की तरफ जाते हैं। जानते हैं कि पूरब के जो ब्राह्मण हैं, बंगाली ब्राह्मण मछलियां खाते हैं तो भी शादी करने उधर ही जाएंगे, क्योंकि समझते हैं कि वहां सूर्य उदय होता है, वो सूर्य के बच्चे हैं, और पश्चिम में सूर्य डूब जाता है, वहां आसुर है। तो पश्चिमी सभ्यता है आसुरी सभ्यता, और पूर्वी सभ्यता है दैवीय सभ्यता। और सोचे तो भी देश में जो काली माता है बाबा, तो उसको यानी गोश का भोग लगाया जाता है, मांसाहारी है तो मांस का भोग। अरे विदेश में क्यों, कलकत्ते में ही मांसाहारी है, क्योंकि मांस खाया है। जब तमो प्रधान बनती है तभी तो विनाश करती है, चतु प्रधान होने पे विनाश करती है कि तमो प्रधान होने पे विनाश करती है? ये बेहद की बात होगी, बद में लोगों ने के लिए भोग देते तो मांस खा लेते बोलते। देह को याद करना, देह को प्यार करना, देहधारियों से लगाव करना, ये मांस खाना नहीं है। ब्रह्मा को हजार भुजा दिखाते हैं और विष्णु को हजार भुजा भी दिखाते हैं। ब्रह्मा प्यार भरे स्वभाव वाला है कि धक्का मारने वाला है? जो प्यार भरे स्वभाव वाला होता है उसके नजदीक सब जाते हैं सहयोग देने के लिए, या जो धक्का मारने वाला होता है किसी को मान सम्मान नहीं देता वो उसके पास जाते हैं? अरे ब्रह्मा ने किस की भाव स्वभाव को पकड़ा, क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है, बड़े प्यार से बात करते हैं। तो बढ़िया बिजनेसमैन था, जो बढ़िया बिजनेसमैन होता है मीठी मीठी बातें करता है, उनका धंधा खूब चलता है। और प्रजापिता बढ़िया व्यापारी था, कहीं का हीरों का, लेकिन छोटी सी दुकान थी, साफ बात कहता था तो उसकी दुकान नहीं चलती थी। तो मीठे को सब पसंद करते हैं, कड़ुए को कोई पसंद नहीं करता। बड़ा सामान जब विनाश हो जाएगा चतुर्थ से पहले, तो सारा धरती का जल तो महासागर में समाया जाएगा और सारे खंड भारत खंड छोड़कर। धरती का जल महासागर में समा जाएगा? अभी नहीं समाया हुआ महासागर, धरती पर जो भी खंडा है, धरती पर जो भी जितनी भी खंडा है, उस खंड में तो बहुत से सारे जल ही जल रहेगा। अभी नहीं है जल? जल रहेगा, अभी भी तो जल है, अभी खंडों में। नहीं, अभी तो कुछ खंड खुले है ना बाबा जी, है अभी कुछ खंड खुले है, और विनाश होगा तब तो सारा तो पानी पानी हो जाएगा, धर्म खंड डूब जाएंगे। हाँ जी, हाँ हाँ, तो भारत में जो अतिरिक्त तार हो जाएगा तो वहाँ पे तो सब अपना बाकी के जो बुझे हुए खंडा है खुले कैसे होते हैं? तो द्वापर से खुले होते हैं जब आधा विनाश हो जाता है। द्वापर के आदि में त्रेता के अंत में जब आधा विनाश होता है तो दूसरे दूसरे धर्म खंड ऊपर आने लगते हैं, जैसे इस्लाम धर्म खंड पहले ऊपर आएगा, फिर बौद्ध धर्म खंड ऊपर आएगा, चीन जापान, फिर क्रिश्चियन धर्म खंड ऊपर आएगा, ऐसे ऐसे ऊपर आते रहते हैं।